बहुत समय बीता, और जब इनके कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई राजा जेवर सिंह और रानी बाछल बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे विवाह हुए, रानी बाछल को 12 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक रानी बाछल की कोख से एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। रानी बाछल बहुत ही दुखी भाव से अपने दिन व्यतीत कर रही। एक दिन की बात, रानी बाछल अपने महलों में बैठी और उसे संतान न होने का कष्ट सता रहा, उसका मन किसी में नहीं लगा। उसी समय अपनी प्रमुख बांदी को बुलाकर समझाने लगी, है बांदी, आज हमारा मन महलों में नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसी समय जाओ कचहरी के लिए, आएगी बनाई, कचौरी नहीं कचहरी, कचहरी के लिए जाओ और मेरे स्वामी को बुलाकर लाओ, मेरा मन आज महलों में नहीं लग रहा। आज उसी समय भैया मेरे बांदी लइए बोलाए, जा रही है अपने बांदी को, बांदी जाओ और हमारे स्वामी को इसी समय बुलाकर लाओ, आज मुझे क्या नहीं क्या हुआ, मेरा मन महलों में नहीं लग रहा।
जा रही है दरबार के लिए आज दौड़ती हुई बांदी। बायो है पादी
इस प्रकार से आज बादी ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, राजन महाराज हमारी बात धीरे से सुनो। जैसे ही राजा ने देखा कि हमारे महलों की बांदी, ये तो हमारी महारानी की सेवा करने वाली आज कचहरी में दौड़ती हुई आई, क्या बात बांदी बताओ। बांदी कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, आज महारानी को पता नहीं क्या हुआ, वो महलों के बीच आज जमीन पर पड़ी व्याकुल हो रही है और उसने हमसे कहा कि हे बांदी जाओ इसी समय और हमारे महाराज को बुलाकर लाओ। क्या कहा, हमें बुलवाया है? हाँ राजन, इसी समय आप चलने की कृपा करें। अरे उन्हें क्या हुआ, किसने सताया, ऐसा क्या कारण है बताओ बांदी। महाराज किसी ने नहीं सताया, पता नहीं आज उनका मन शांत नहीं है, इसलिए इसी समय हमारे साथ आप महलों में चलने की कृपा करूं। आज उसी समय राजा ने समझ लिया कि वास्तव में आज कोई ना कोई विशेष कारण है जिससे आज बांदी के द्वारा हमें बुलवाया है। आज उसी समय राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बंद करवाया और बांदी के साथ आज महलों की तरफ राजा दौड़ देते हैं। और ये लगातार दो बार अपनी भेंटें समर्पित की हैं श्रीमान छन्नू साउंड सर्विस उमरेन वालों की तरफ से। ये लगातार शाम से इतना समय हुआ अपनी भेंटें चढ़ा रहे हैं, बाबा इनका साउंड इसी प्रकार से दिन रात चलता रहे बजता रहे। आज पूरे प्राण
इस प्रकार से।